चलो ठीक है। कल मैंने कुछ बोला था वो शीट रेडी हो गई। कल मैंने कुछ बोला था वो शीट रेडी हो गई। मैंने बोला था कुछ वो शीट रेडी करने के लिए आपको इस तरीके का कुछ ग्राफ बना बनाने के लिए। तो ये बन गया क्या? बन गया क्या? चलो जिस जिस का बन गया, जिस जिस का बन गया वो मुझे ये बताए, जिन जिन का बन गया वो मुझे ये बताए कि हम लोगों ने ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया, ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया था। जिन जिनों ने बना लिया, अधिकतर आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने बना लिया, तो आप मुझे ये बताइए ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया आपने, टाइम कैसे कैलकुलेट किया। हेलो दीपक, आप बता सकते हैं ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया, ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया। दीपक, मैं जैसे पूछता जा रहा हूँ ना वो फटाफट जवाब देता रहे, क्योंकि अभी हम लोग क्लास का टाइम खराब नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा बस रिवीजन 10 मिनट के लिए ले रहा हूँ, तो मुझे अभी ये बताओ कि ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया, ये टाइम कैसे कैलकुलेट किया। हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है। आ रही है सर। हाँ तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर आवाज आ रही है दीपक तो आप बता सकते हैं कि एक टाइम कैसे कैलकुलेट किया। निखिल आप बता सकते हैं टाइम कैसे कैलकुलेट हुआ। निखिल आप बता सकते हैं टाइम कैसे कैलकुलेट हुआ। निखिल, निखिल मीणा, जल्दी फाइनल जल्दी स्पीड जवाब। माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन एक्सीलरेशन। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अच्छा वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन वी माइनस यू बाय ए। कल हम लोगों ने बात करी थी वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वी माइनस यू बाय ए। अब इसमें मुझे बताना फाइनल कौन सी है, इनिशियल कौन सी है, फाइनल कौन सी, इनिशियल कौन सी। वी फाइनल यू इनिशियल। अरे वो तो ठीक है, वी फाइनल यू फाइनल, हम लोगों ने फाइनल और इनिशियल का कॉन्सेप्ट किस हिसाब से डिवाइड किया है। इसमें हमने फाइनल वेलोसिटी कैसे ली है और इनिशियल वेलोसिटी कैसे ली है। तो हमने ऊपर वाला फाइनल इनिशियल और वेलोसिटी नीचे वाली फाइनल। L2 माइनस L3 अपॉन क्योंकि हमने इस स्पीड से इस स्पीड तक पहुंचने का एक्सेलरेशन निकाला है, इस स्पीड से इस स्पीड तक पहुंचने का एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस स्पीड से इस स्पीड तक पहुंचने का ही टाइम निकालूंगा, इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने का ही टाइम निकालूंगा। तो मेरा क्या हुआ, ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हुई, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हुई। ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन मेरी करी, हर स्टेप पे क्या किया, अब इधर से इधर पहुंच रहा हूँ तो ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई, फिर इधर से इस वाली पे पहुंच रहा हूँ तो ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई, ऐसे एक एक स्टेप बनता जा रहा है। टोटल टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है। सर टाइम में हाँ सर टाइम के अंदर इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू। क्या, टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ, टोटल टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब जीरो से, सपोज मैं बात करूँ जीरो से इस वेलोसिटी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, जीरो से इस वेलोसिटी तक पहुँचने का कितना टाइम लगेगा, जीरो से इस वेलोसिटी तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सपोज यहाँ बात करते हैं हमारे पास में जीरो है, जीरो बात कर लेता है, तो जीरो से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये कैलकुलेट करने का क्या हिसाब है। हेलो
एल प्लस फाइनल क्या करें? अच्छा ऐसा करें कि हर स्टेप के टाइम को ऐड कर दे, 0 से 4.42 में कितना टाइम लगा वो आ गया, 4.2 से 4.82 में कितना टाइम लगा वो आ गया, 4.82 से 5.23 में कितना टाइम लगा वो आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक के टाइम को ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को ऐड करा, यहाँ से यहाँ तक के टाइम को ऐड करा और यहाँ से यहाँ तक के टाइम को ऐड करा, तो टोटल टाइम आ गया। हर स्टेप के टाइम को ऐड करते जाए तो टोटल टाइम आ गया जीरो से यहाँ तक पहुंचने का। ऐसा ही होगा या नहीं होगा? हर स्टेप का टाइम है, 0 से 4.42 का अपना टाइम है, सपोज 1 सेकंड है, ठीक है। इधर से इधर पहुंचने में, इधर से इधर पहुंचने में सपोज 0.8 सेकंड है, इधर से इधर पहुंचने में 0.7 सेकंड है, इधर से इधर पहुंचने में 0.6 सेकंड है, तो 1 + 0.8 + 0.7 + 0.6 करेंगे तो टोटल टाइम आ गया इधर तक पहुंचने में। तो वही हमने यहाँ पे किया है, हर स्टेप के टाइम को ऐड कर दिया, ठीक है। हर स्टेप के टाइम को ऐड करता चलाओ, ठीक है। पहला स्टेप में ये आया, फिर दूसरे स्टेप में इसको और इसको ऐड कर दिया, तीसरे स्टेप में इसको और इसको ऐड कर दिया, चौथे स्टेप में इसको और इसको ऐड कर दिया, ऐसे चलते 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 टोटल टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया। अच्छा ये वेलोसिटी टाइम कर्व कैसे बना? वेलोसिटी टाइम कर्व कैसे बना? वेलोसिटी टाइम कर्व कैसे बना? ये एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है? एक्स पे वेलोसिटी और वाई पे टाइम। एक्स पे वेलोसिटी और वाई पे टाइम है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? यस सर। पक्का? एक और बार सोच लो। एक्स पे टाइम है सर, वाई पे वेलोसिटी। ऐसा ही होता है क्या? टाइम ऑन एक्स, एक्स पे मेरा टाइम है 14 सेकंड में, 12 साढ़े 12 सेकंड तो मुझे पहुंचने में लग रहे हैं, वो मैंने एक्स पे दे रखे हैं, और यहाँ पे मेरी वेलोसिटी है कि कितनी वेलोसिटी मेरी जा रही है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी मेरी जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ, इस कर्व के स्लोप की बात करूँ, स्लोप क्या होता है? वाई अपॉन एक्स। स्लोप क्या होता है? वाई अपॉन एक्स। तो ये मुझे क्या देगा? y अपॉन x ये मुझे क्या देगा? y अपॉन x मुझे क्या देगा? y y पे क्या है? वेलोसिटी है, एक्सेलरेट वो क्या बोलता है, टाइम है। y पे वेलोसिटी है, क्या है? y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। और x एक्सिस पे क्या है? टाइम। टाइम वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका जो स्लोप है वो मुझे क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। अब सिमिलरली हम लोग एक मोटर की बात कर लेते हैं, एक मोटर की बात कर लेते हैं। यहाँ तो हमने क्या बात करी? इंजन वाले की बात करी थी। मेरे पास में मोटर का एक डेटा है, कुछ इस पर कुछ इस टाइप से है, ठीक है, कुछ इस टाइप से है कि इनिशियली जब मेरी मोटर स्टार्ट हो रही है, जब मेरी मोटर स्टार्ट हो रही है तो उसका कुछ आरपीएम रहेगा। इनिशियली जब मोटर स्टार्ट हो रही है तो उसका कुछ आरपीएम रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा सर। रहेगा। तो इनिशियल आरपीएम मेरे पास में है 857। मैक्सिमम आरपीएम कितना है? मैक्सिमम आरपीएम कितना है? 2865। अच्छा ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? कितने वोल्टेज की मोटर है? 72 वोल्ट की मोटर है। ये क्या दे रखा है? हर स्टेप पे कितना करंट खा रही है, हर स्टेप पे कितना करंट खा रही है, ठीक है, और हर स्टेप पे कितना करंट खा रही है और कितना पावर कंज्यूम कर रही है, कितना पावर कंज्यूम कर रही है, ठीक, ये मुझे दे रखा है। अब थोड़ा सा इसका डेटा उठा लेते हैं, इसका डेटा उठा लेते हैं, डेटा उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, टॉर्क और आरपीएम का डेटा ले रहा हूं पहले, कंट्रोल वी, ठीक है, टॉर्क और आरपीएम का डेटा ले रहा हूं, इधर से एक और उठा लेता हूं, स्पीड का भी डेटा उठा लेता हूं,
मेरे पास टॉर्क और स्पीड का डेटा आ गया, टॉर्क और स्पीड का डेटा आ गया, टॉर्क और स्पीड का डेटा आ गया। एक करंट का डेटा और ले लेता हूँ, करंट का डेटा भी मेरे काम का है, करंट का डेटा और ले लेता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, करंट का डेटा और ले लेते हैं। ठीक है, करंट का डेटा और आ गया मेरे पास में। थोड़ा सा ठीक है, करंट का डेटा और आ गया मेरे पास में। ये मेरा करंट का डेटा है, ठीक है, ये मेरा करंट का डेटा है। ये मेरा करंट का डेटा आ गया। अब मुझे ये बताना, कि सपोज मेरे पास 2865 आरपीएम, तो सबसे मैक्सिमम आरपीएम क्या है अपने पास में, मैक्सिमम आरपीएम क्या है, मैक्सिमम आरपीएम क्या है, 2865। मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए 80 किलोमीटर पर आर। मेरे व्हील की रेडियस है, व्हील की रेडियस बता देता हूँ आपको, व्हील की रेडियस है मेरे पास में, व्हील की जो टोटल रेडियस है वो है 24 इंच, मतलब 24 इंच डाया है मेरे व्हील का, ठीक है, 24 इंच डाया है मेरे व्हील का। 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड चाहिए, 24 इंच का मेरा डाया है, तो मुझे ये बता सकता है कोई कि मुझे कितना गियर रेशियो चाहिए होगा 2865 को 80 किलोमीटर पर आर तक निकालने के लिए? कितना गियर रेशियो चाहिए होगा, कितना गियर रेशियो चाहिए होगा? कितना गियर रेशियो चाहिए होगा? अच्छा, 80 किलोमीटर पर आर को आरपीएम में कन्वर्ट करो ना एक बार, 80 किलोमीटर पर आर को आरपीएम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूँ? मेरे पास 3-4 फॉर्मूले हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई एन अपॉन 60, तो 2 इंटू पी आई इंटू एन अपॉन 60, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा इंटू आर। तो अभी मुझे ये बता सकता है कोई कि 80 किलोमीटर पर आर के हिसाब से जो मेरी रेडियस है, रेडियस है उससे मुझे एन निकालना है, एन नंबर ऑफ आरपीएम। तो कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? ओमेगा यहाँ से वी बाय आर निकल जाएगा, ओमेगा यहाँ से वी बाय आर निकल जाएगा। आर आर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, इंचेस में चाहिए, आर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, इंचेस में चाहिए? मीटर, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँ, 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, ट्वेंटी फोर को किससे मल्टीप्लाई करूं? इंचेस को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूं, इंचेस को मुझे कन्वर्ट करना है उसमें, इंचेस को मुझे कन्वर्ट करना है इनटू 0.0254 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंटर। क्या आया, ये क्या है, डायमीटर है, रेडियस है, डायमीटर। तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 2 0.3048 आ गया।
वेलोसिटी वो ओमेगा निकाला जाए तो ओमेगा कितना आया, ओमेगा निकाला जाए तो ओमेगा कितना आया। अच्छा एक चीज और, ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में चाहिए मीटर पर सेकंड में चाहिए, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? तो 5/18 से मल्टीप्लाई। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटर क्या है 22.22। तो यहाँ पे क्या किया, ओमेगा निकालने के लिए 22.22 इज इक्वल्स टू 22.22 डिवाइडेड बाय 0.3048, एंटर। ये क्या आ गई, ओमेगा आ गई, ओमेगा आ गई। अब आरपीएम निकालना है, क्या करूँ अब, क्या करें? एन को इधर रहना, तो बाकी सब डिजिट्स को उधर भेज के वैल्यू पुट कर क्या देना। करूं इसको, इसके साथ क्या करूं? Into 60 अपॉन 2 इनटू 3.14। अपॉन 2 इनटू 3.14, ठीक है, यही होगा, यही फॉर्मूला है, सही है। एंटर करें, क्या आया? 696, 696.569, यही आया। यस सर। अच्छा ये आरपीएम था, ये रिड्यूस होके ये आरपीएम बन गया, तो मेरा गियर रेशियो कितना हुआ? ये आरपीएम था ये। अच्छा एक बात बताओ, आरपीएम गियर रेशियो से डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है? आरपीएम को गियर रेशियो से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही बात है, डिवाइड करते हैं। तो जब इसमें गियर रेशियो का डिवाइड हुआ तो मेरे पास में ये आया, ठीक है। जब गियर रेशियो का डिवाइड हुआ, सपोज 2865 डिवाइडेड बाय जीआर जो है मेरा इज इक्वल्स टू ये है 696.569, ठीक है। तो अगर मुझे गियर रेशियो निकालना हो तो क्या करूं? क्या करूं? टू एट सिक्स फाइव डिवाइडेड बाय गियर रेशियो सिक्स ये है, तो अभी मैं क्या करूं गियर रेशियो निकालने के लिए? फाइव टू एट सिक्स फाइव डिवाइड बाय 696.569। तो मैं क्या करूं, इज इक्वल्स टू 2865 डिवाइडेड बाय 696.569, एंटर। क्या आया? 4.11। क्या आया? 4.11, 4.11, 4.11, ठीक है। ये गियर रेशियो मुझे कौन से गियर पे मिलेगा? सपोज फोर्थ गियर पे मिल रहा है, चार गियर है मेरे पास, फोर्थ गियर पे मिल रहा है ये वाला गियर रेशियो 4.11। कंट्रोल सी, फोर्थ गियर पे मुझे गियर रेशियो मिला इज इक्वल्स टू दिस, एंटर 4.11, ठीक है। थर्ड गियर पे बात करें, थर्ड गियर पे बात करें तो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, थर्ड गियर पे बात करें तो मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए? 60 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 60, 16.677, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरा आरपीएम आ गया 522.4267, ठीक है। गियर रेशियो कैसे कैलकुलेट करें, गियर रेशियो कैसे कैलकुलेट करें? इज इक्वल्स टू टोटल आर मैक्सिमम आरपीएम डिवाइडेड बाय
522.4267, एंटर। ये क्या है मेरा थर्ड गियर का गियर रेशियो, थर्ड गियर। थर्ड गियर का गियर रेशियो, ठीक है। अब आता हूँ सेकंड गियर पे, सेकंड गियर पे आया, ठीक है। सेकंड गियर पे आया, मैंने ये सारा कॉपी कर लिया वापस से। सेकंड गियर पे आया, बोला मुझे वेलोसिटी चाहिए 40 किलोमीटर पर, 40 किलोमीटर पर, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी को चेंज किया, 40 कर दिया, ठीक, 40 कर दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2865 डिवाइडेड बाय 348.8.22 मेरा गियर रेशियो आ गया, ठीक। और आखिरी गियर, सेकंड गियर ये आ गया, और फर्स्ट गियर आ गया, ठीक है। फर्स्ट गियर ले लेते हैं, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फर्स्ट गियर की बात करें तो मैंने बोला मुझे वेलोसिटी चाहिए 25 किलोमीटर पर आ। क्या करूं अब इसको चेंज करने के लिए, इसको पता लगाने के लिए क्या करूं, 25 किलोमीटर पर आर चाहिए तो क्या चेंज करूं? 25 किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर देते, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते 25, ठीक है। स्पीड मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। मैक्सिमम आरपीएम कितना आ रहा है व्हील पे, मैक्सिमम आरपीएम कितना आ रहा है? 217.6778। तो यहाँ पे गियर रेशो निकालने के लिए क्या करूँ, इज इक्वल टू मैक्सिमम आरपीएम डिवाइडेड बाय 217.677, ठीक है। तो मुझे क्या पता पड़ा, फर्स्ट गियर का रेशियो है, सेकंड गियर का रेशियो है, थर्ड गियर का रेशियो है, फोर्थ गियर का रेशियो है। अब इन सब में बात कर लेते हैं कि मैं एक कॉमन स्प्रॉकेट रेशियो ले लेता हूँ। ये तो टोटल गियर रेशियो है, स्प्रॉकेट रेशियो यानी कि आगे जो चेन स्प्रॉकेट कनेक्टेड है जिससे मेरी, जिससे मेरा टायर चलेगा, जिससे जिससे पावर मेरे टायर पे जा रही है, वो स्प्रॉकेट रेशियो ले लेता हूँ। मैंने बोला एक कॉमन स्प्रॉकेट रेशियो ले लिया, 3:1। तो फर्स्ट गियर का रेशियो क्या हो गया, ये तो टोटल गियर रेशियो है TGR, ठीक है। तो फर्स्ट गियर का रेशियो क्या हो गया, मतलब फोर्थ गियर का रेशियो क्या हो गया, इज इक्वल्स टू टोटल गियर रेशियो को डिवाइड कर देते हैं स्प्रॉकेट रेशियो से, एंटर। तो 1.371 फोर्थ गियर रेशियो, ठीक है। 3 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंटर। ये हो गया हमारा सेकंड गियर का रेशियो, 3 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंटर। ये हो गया नेक्स्ट गियर रेशियो, 3 इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये हो गया अपना, ये हो गया अपना क्या, फर्स्ट गियर रेशियो। अब यहाँ पे रखते हैं टोटल गियर रेशियो, पहले गियर के लिए टोटल गियर रेशियो रखते हैं, फर्स्ट गियर के लिए टोटल गियर रेशियो रखते हैं। इधर रखा, फर्स्ट गियर के लिए टोटल गियर रेशियो रखा, इज इक्वल्स टू 13.16165, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ पूरे में, व्हील पे टॉर्क कितना आएगा, इसके हिसाब से व्हील पे टॉर्क कितना आएगा, इसके हिसाब से व्हील पे टॉर्क कितना आएगा, मोटर के पास इतना टॉर्क है, व्हील पे टॉर्क कितना आएगा, व्हील पे टॉर्क निकालने के लिए क्या करें,
व्हील पे टॉर्क निकालने के लिए क्या करें? गाइस टॉर्क के साथ क्या करते थे, मतलब ये गियर रेशियो लगने के बाद मेरा टोटल जो पावर पहुंच रही है गियर बॉक्स और स्प्रॉकेट लगने के बाद वो पीछे वाले व्हील पे पहुंच रही है, पीछे वाले व्हील पे पहुंच रही है, तो अभी मुझे ये बताओ व्हील पे टॉर्क कितना आया? ये गियर रेशियो है तो व्हील पे टॉर्क कितना आएगा गाइस, कितना आएगा? व्हील पे टॉर्क कैसे कैलकुलेट करूं? व्हील पे टॉर्क कैसे कैलकुलेट करें? टॉर्क को गियर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? टॉर्क को गियर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? टॉर्क को गियर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? हेलो जल्दी जवाब दो यार, जल्दी जवाब दो। यहाँ पे मेरा टॉर्क है जो मुझे मोटर से मिल रहा है, यहाँ पे मुझे टॉर्क है जो मोटर से मिल रहा है, और ये मेरा टोटल गियर रेशियो है। यहाँ पे जो टॉर्क है ये मुझे मोटर से मिल रहा है, ठीक है, मेरी मोटर लगी हुई है इंजन की जगह पे, ठीक है, इंजन की जगह पे, और ये जो टोटल गियर रेशियो है ये मुझे मिल रहा है। तो व्हील पे टॉर्क कितना आना चाहिए? 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 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टॉर्क इंटू गियर रेशियो, टॉर्क इंटू गियर रेशियो, एंटर। पूरे को लिया, ये मेरे पास आ गया टोटल टॉर्क, ये मेरे पास आ गया टोटल टॉर्क, ठीक है। इसके बाद में आरपीएम की बात कर लेते हैं, व्हील आरपीएम। व्हील आरपीएम कितना आया? व्हील आरपीएम कैसे कैलकुलेट करें? आरपीएम अपॉन टोटल गियर रेशियो इज इक्वल्स टू आरपीएम अपॉन गियर रेशियो, एंटर। आरपीएम अपॉन गियर रेशियो, एंटर। आरपीएम को पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। वेलोसिटी कैसे निकाले व्हील की? वेलोसिटी कैसे निकाले व्हील की? ओमेगा इनटू आर। पहले ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा निकालने के लिए क्या करूं? इज इक्वल्स टू टू इनटू टू इनटू 3.14 इंटू एन एन डिवाइडेड बाय 60, एंटर। ओमेगा निकाल लेते हैं सबका, ठीक है। आर आप लोगों को पता है कितना है? आर है 0.3048, आर है 0.3048 मीटर में, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ओमेगा इनटू आर, ओमेगा इनटू आर कर देते हैं, इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर, एंटर। ओमेगा इनटू आर, एंटर। ये आ गया कैपिटल वी, किलोमीटर पर आर में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनटू कितना? 18 बाय 5
ठीक है, वेलोसिटी आ गई किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब वेलोसिटी आ गई किलोमीटर पर आवर में, अब बात करें तो आपका रोलिंग रेजिस्टेंस, रेडियंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना। थोड़ा इसको हटा देते हैं, आप थोड़ा इसको हटा देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले मैं के निकालूंगा। के कितना है, 0.01 के कैसे निकल, 0.01, 0.0095 0.095 प्लस प्लस आगे आगे इतना आगे होगा ना, वेलोसिटी अपन 100। 0.0095 इनटू ठीक यस सर, वेलोसिटी अपन 100।0.0095 0.01 प्लस 0.095 है। आपने 0.01 बोला था। 0.01 प्लस इज इक्वल्स टू 0.01 प्लस 0.095 इनटू इनटू वेलोसिटी अपॉन 100 का स्क्वायर। वी बाय 100 इनटू वी बाय 100 का स्क्वायर प्लस हो गया, के आ गया। सी निकाला जाए, सी निकालने का बताओ फटाफट। इज इक्वल टू 0.005 0.005 प्लस के अपॉन पी। प्लस के अपॉन पी, के अपॉन 2.06 एंटर, सी आ गया। व्हीकल का मास ले लेते हैं 150, मास ले लेते हैं 150, 150 ठीक है। आर आर रोलिंग रेजिस्टेंस, इनटू मास, हाँ सी इनटू रोलिंग वेट, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सी इनटू एम 120 इनटू इनटू नाइन पॉइंट एट 9.8। वन एंटर। इसको कर लेते हैं, आर आर प्लस ए डी एरोडायनेमिक ड्रैग इज इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ इंटू डेंसिटी 1.2 हाफ इंटू 1.2 इंटू 1.8 1.8 इंटू, थोड़ा सा नेट पे चेक कर लेते हैं, कोफिशियंट ऑफ ड्रैग, कोफिशियंट ऑफ ड्रैग, ड्रैग फॉर मोटरसाइकिल्स। मोटरसाइकिल एंड राइडर कितना दे रहा है, 1.8 ही बता रहा है। मोटरसाइकिल एंड राइडर 1.8 ही बता रहा है, ठीक है 1.8 डाल लेते हैं। इंटू 1.8 इंटू एरिया, फ्रंटल एरिया, एरिया हाँ एरिया डाल देते हैं लगभग एक इंटू वेलोसिटी मीटर पर वेलोसिटी सेकंड में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए, इंटू मीटर पर सेकंड में रो ए वी स्क्वायर एंटर। ये आ गया मेरा टोटल फोर्स।
ठीक है, एरोडायनामिक ड्रैग आ गया, एरोडायनामिक ड्रैग आ गया, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस अभी ले लेते हैं जीरो, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस जीरो ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू आर आर प्लस ए डी प्लस जी आर, एंटर 70.82531 ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस, आ गया टोटल रेजिस्टेंस, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। अब ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करते हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट क्या है, ट्रैक्टिव एफर्ट कैसे निकलेगा, ट्रैक्टिव एफर्ट कैसे निकाले, ट्रैक्टिव एफर्ट कैसे निकाले गाइस, ट्रैक्टिव एफर्ट कैसे निकाले, ट्रैक्टिव एफर्ट कैसे निकाले हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट कैसे निकाले गाइस, ट्रैक्टिव एफर्ट कैसे निकाला जाए, देख लो वापस से, टॉर्क अपॉन रेडियस जो होता है वो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है, व्हील पे मुझे टॉर्क मिल रहा है डिवाइडेड बाय, व्हील पे जो मुझे टॉर्क मिल रहा है डिवाइडेड बाय रेडियस, ये मेरा ट्रैक्टिव एफर्ट होगा, ठीक है। तो ट्रैक्टिव एफर्ट निकाला जाए तो कितना आ रहा है, ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट इतना आ रहा है। अब बात करते हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट इतना आ रहा है, अब बात करते हैं कि टोटल मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना है, टी माइनस टी आर, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, एंटर, ठीक है। तो इसको नीचे खींच लेते हैं, ठीक है, T माइनस टी आर, दिस माइनस दिस। तो अभी मुझे एक चीज बताओगे क्या, एक चीज बता सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ तक जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी का, चलो उससे भी पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूँ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूँ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूँ, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम करूं। यहां पे मेरे पास क्या है, फोर्स है ना, फोर्स से एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूं, क्या करूं, फोर्स अपॉन मास, ठीक है, इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स अपॉन मास, एंटर, ये देख लेते हैं। तो मुझे ये बताना, मुझे ये बताना अभी मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी फर्स्ट गियर पे कितनी जा रही है, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जा रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जा रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जा रही है, इस पॉइंट पे अगर देखें, इस पॉइंट पे अगर देखें तो मेरी वेक्टर 24.42, क्योंकि यहाँ तक तो नेगेटिव है, तो इससे 24.42 से ये मेरे को ऊपर जाने नहीं देगी, ठीक है, 24.42 से ये ऊपर जाने नहीं देगी, ठीक है। टाइम निकाल लेते हैं, टाइम हर स्टेप का टाइम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो मेरा जीरो है क्योंकि यहाँ से बढ़ेगी नहीं, यहाँ तक बढ़ेगी नहीं, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करूँ, टाइम निकालने के लिए क्या करूँ, टाइम निकालने के लिए क्या करूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ से चालू कर लेते हैं, इसको जीरो कर लेते, इसको भी जीरो कर लेता, गलत कर रहा हूँ मैं,
नीचे से चालू करूंगा, नीचे से चालू करूंगा, नीचे से पड़ेगी मेरी, क्योंकि नीचे सब नीचे से स्टार्ट हो रही है मेरी गाड़ी। ठीक है, जीरो करना है सबसे पहले। ठीक, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कहाँ है मेरी, वेलोसिटी 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 ये वाला है, आई आई वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ठीक हाँ बाबा, है, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन अपॉन एक्सीलरेशन ए। ठीक है, अपॉन ए, ठीक, अपॉन ए, अपॉन ए ये वाला आएगा, सॉरी ये वाला ए आएगा, ये वाला एक्सेलरेशन आएगा पिछला वाला, एंटर। ठीक है, इसके बाद में इज इक्वल्स टू वापस से वही स्टेप, वेलोसिटी आई में है, वेलोसिटी ये वाली माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन एक्सेलरेशन ये वाला नीचे वाला, एंटर एंटर। ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है, फोर पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बाय, इसको ऊपर तक ले जाता है, कॉपी कर लेता है। ऊपर तक ले जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, I21 माइनस I22, I21 2340 2366। अब क्या, ठीक है, ये मेरा आ गया टाइमिंग। अब देखा जाए तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मोटर की पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखा जाए तो मोटर की पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, अरे पावर का फॉर्मूला बता दो यार, शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, निलेश निलेश पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर के फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, और कोई बताएगा, डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी वर्क डन पर यूनिट टाइम। चलो, मैंने पावर का फॉर्मूला पूछा है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला पूछा है, बिल्कुल वी इंटू आई, निलेश का भी सही है, वी इंटू कॉस फाई होता है, वो हम लोग अभी फेज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, फेज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कॉस फाई की बात नहीं कर रहे हैं,
वी इंटू आई, नॉर्मल बात करते हैं, वी इंटू आई, मैंने आपको शुरू में ही बताया था मेरा वोल्टेज कितना है मोटर का, मेरा मोटर का वोल्टेज कितना है, शुरू में ही मैंने आपको बताया था मोटर का वोल्टेज कितना है, मोटर का वोल्टेज कितना है, हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने आप लोगों को बताया था मोटर का वोल्टेज कितना है, मोटर का वोल्टेज कितना है, 72. 72. तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट कितना ले रही है वो यहाँ पे दे रखा है, करंट कितना ले रही है वो यहाँ पे दे रखा है, इज इक्वल्स टू ठीक है, इज इक्वल्स टू 72 इंटू करंट दे रखा है मेरा यहाँ पर 12.46, 5 में 12.46 एंटर, तो पावर पूरी बना लेता है, ठीक है, ये पावर तो क्या होती है, ये पावर तो क्या होती है, किलोवाट आर में होती है, ठीक है, किलोवाट आर मतलब वाट आर में होती है, तो पर सेकंड मेरी पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, पर सेकंड पावर कंज्यूम कितनी हो रही है ये निकालने के लिए क्या करूं, ये तो पूरे आर के हिसाब से एक घंटे में कितना यूनिट लेगा, एक घंटे में कितना यूनिट लेगा पर सेकंड में बात करें तो, पर सेकंड में बात करें तो, पर सेकंड में बात करें तो 3600 से मल्टीप्लाई, 3600 से मल्टीप्लाई करूं डिवाइड करूं, डिवाइड डिवाइड पर सेकंड में कितनी पावर लेगा वो मैं कर देता हूं, पावर पर सेकंड में कितनी लेगा, इज इक्वल्स टू 897.12 डिवाइडेड बाय 3600, एक सेकंड में इतनी पावर लेगा, मेरे पास कितने सेकंड्स है, कितने सेकंड्स के लिए ये वाली स्पीड अटेन हो रही है, मतलब यहां से चालू करते हैं, जीरो से चालू कर रहा हूं कितने सेकंड्स तक अटेंड हो रही है पावर, 0.18 सेकंड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेकंड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस एंटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस एंटर, तो जितने भी सेकंड्स के लिए हो रही है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ, ठीक। अब बात करें कि मैं अगर 0 से 25 तक जा रहा हूँ, यानी कि 0 से 24 तक जा रहा हूँ, तो मेरी टोटल पावर कितनी कंज्यूम हुई, टोटल पावर कितनी कंज्यूम हुई, 0 से 24 तक जा रहा हूँ तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम हुई, इन सब का सम कंज्यूम हो गया, इन सब का सम जो है वो मेरा कंज्यूम हो गया, ठीक है, तो यानी कि 1.1965 वॉट जो है वो मुझे यहाँ तक पहुँचने में कंज्यूम हो रही है, 25 तक पहुँचने में कंज्यूम हो रही है, ठीक है, 25 या 24 तक पहुँचने में कंज्यूम हो रही है, 25 या 24 तक पहुँचने में कंज्यूम हो रही है, ठीक है, ये तो पहुँचने में कंज्यूम हुई। अब मैंने बोला कि मेरे को कंटिन्यूसली, मैं हाईवे पे हूँ, कंटिन्यूसली हाईवे पे हूँ और मैं इस स्पीड पे चल रहा हूँ, कंटिन्यूसली लगातार मैं इस स्पीड पे चल रहा हूँ, कंटिन्यूसली लगातार मैं इस स्पीड पे चल रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूसली लगातार मैं 24.424 की स्पीड पे चल रहा हूँ, तो मेरा करंट कितना कंज्यूम हो रहा है, करंट कितना कंज्यूम हो रहा है, करंट कितना कंज्यूम हो रहा है, 12.46, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, 1.19 तो मेरे को 24 पहुँचाने में लग गई, ठीक है, 24 पहुँचाने में लग गई, और 24 पे ही चल रहा हूँ तो मेरी पावर कितनी कंज्यूम हो रही है,
मेरी पावर कितनी कंज्यूम हो रही है पर सेकंड, मेरी पावर पर सेकंड कितनी कंज्यूम हो रही है 0.2492, 0.2492, 0.2492 मेरी पर सेकंड पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक घंटे तक मैं लगातार इसी स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं, तो एक घंटे तक लगातार मैं इस स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूं, तो चलो उसको भी इजी कर लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास में बैटरी पैक है 72 वोल्ट 100 एम्पेयर आर का, 100 एम्पेयर आर का, 100 AH का, तो इसकी पावर कितनी हो गई, इसकी पावर कितनी हो गई बैटरी पैक की, बैटरी पैक की पावर कितनी हो गई, बैटरी पैक की पावर कितनी हो गई, बैटरी पैक की पावर कितनी हो गई। मेरे पास में बैटरी है, मेरे पास में बैटरी है, मेरे पास में जो बैटरी है वो कितनी है, 100 एम्पेयर आर की और 72 वोल्ट की, 72 वोल्ट की मोटर है तो 72 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, 100 एम्पेयर आर की वो है, 100 एम्पेयर आर की वो है, तो कितनी पावर कंज्यूम होगी, मतलब कितनी पावर है अभी मेरे पास में, कितनी पावर है मेरे पास में, कितनी पावर है गाइस, हेलो कितनी पावर है, पावर का फॉर्मूला अभी आपने बताया था V इंटू आई, तो वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, बैटरी के पास कितनी पावर है, 7200। हाँ क्या कितनी है, 7200 यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी पावर की, यूनिट क्या होती है, घर में बिजली लाते हो उसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट आर यूनिट होती है, यहाँ पे वॉट आर है, ये वॉट आर है, ठीक है, वॉट आर है, 7.2 किलोवाट आर कह सकते हैं, 7.2 किलोवाट आर, किलोवाट आर KWH, ठीक है, 7.2 KWH, ठीक है। एक घंटे तक मैं गाड़ी चलाता हूँ, एक घंटे तक मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, तो ये 0.2492 कितना हो जाएगा, एक घंटे तक मैं गाड़ी चलाता हूँ, ये 0.2492 कितना हो जाएगा, ये मेरी एक सेकंड में पावर कंज्यूम हो रही है, अगर मैं एक सेकंड में पावर कंज्यूम हो रही है, अगर मैं एक सेकंड में पावर कंज्यूम हो रही है, एक सेकंड में पावर कंज्यूम हो रही है, अगर मैं इस स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ तो 24.4209 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, तो पूरे घंटे में कितनी पावर कंज्यूम होगी, 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 एक सेकंड में इतनी पावर कंज्यूम हो रही है तो पूरे घंटे में कितनी होगी, 897.12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.2492 इंटू 3600, एंटर, ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, हम लोगों का टोटल कितना हुआ, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू टोटल ये प्लस ये, जब मैंने इसको स्पीड, ये प्लस ये, जब मैंने स्पीड को जीरो से स्टार्ट किया, मतलब गाड़ी को जीरो से स्टार्ट किया, 24 तक लेके गया, और 24 पे मैं एक घंटे तक गाड़ी चला रहा हूँ, 24 पे मैं एक घंटे तक गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, एक घंटे तक गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरी टोटल पावर का कंजप्शन कितना हुआ एक घंटे में, 898.3166, ठीक है,
अब मेरे पास 7200 वॉट आर का है, 7200 वॉट आर का है, मैं कितने घंटे तक गाड़ी चला सकता हूँ? 898 तो ये हो गया, फिर अगले घंटे में क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है 897.12 हो जाएगी, ठीक है? 7200 में से सबसे पहले घंटे में कितना गया, सबसे पहले घंटे में से 7200 में से कितना गया? 7200 माइनस 898.3166 पहले घंटे में, 6301 बचा, इज इक्वल्स टू दूसरे घंटे में 6301.683 डिवाइडेड बाय 897.1, ठीक है? तो ये 7.02 आवर्स चल रही है, 7.02 आवर्स चल रही है। देखा जाए तो मैंने क्या किया, पहले घंटे में देखे, पहले आवर में देखे तो मेरी इतनी पावर कंज्यूम हो रही है, क्योंकि स्पीड को लाने में 24 लाने में भी पावर मेरी ऐड हुई, ठीक है? तो पहले घंटे की बात करें तो इज इक्वल्स टू 7200 माइनस 898.3166, ठीक है, 0.3166 एंटर, तो मेरे पास कितनी पावर बची, 6301.683। अब कंटिन्यूस स्पीड है, हर घंटे में मेरी पावर ये कंज्यूम हो रही है, कंटिन्यूस स्पीड है, हर घंटे में मेरी ये पावर कंज्यूम हो रही है 897.12, कंटिन्यूस स्पीड है, हर घंटे मेरी 897.12 पावर कंज्यूम हो रही है, तो कितने घंटे तक गाड़ी चला पाऊंगा, कितने घंटे तक गाड़ी चला पाऊंगा, कितने घंटों तक गाड़ी चला पाऊंगा? गाइस कितने आवर्स तक मैं गाड़ी चला पाऊंगा? कितने आवर्स तक चला पाऊंगा? हेलो, कितने आवर्स तक चला पाऊंगा? कैसे निकालूं? बची हुई पावर, जो मेरे पास बची हुई पावर है डिवाइडेड बाय, बची हुई पावर डिवाइडेड बाय जितनी पावर मेरी हर घंटा कंज्यूम हो रही है, तो मेरे पास आया 7 घंटे 24 मतलब 024, ठीक है, 7.024, ठीक है, 7.024, ठीक, 7.024 आ गया। अब 7.024 तक मैं कितने स्पीड पर गाड़ी चला रहा हूँ, 24.42 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, 24.42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो मैं कितनी डिस्टेंस कवर कर लूँगा 7 घंटे में, कितनी डिस्टेंस कवर कर लूँगा 7 घंटे में, 7 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लूँगा, 7 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लूंगा गाइस? हाँ, सात घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लूंगा? मेरे पास टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूं? मेरे पास टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूं? टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूं? स्पीड इनटू टाइम कैसे होगा? ठीक है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू this into this enter, कितना आया? 171.5346, और एक घंटा जो बच रहा है, एक घंटा अभी जो मेरे पास में बचा हुआ है, ये वाला 6301 के अलावा जो एक घंटा ये मेरे पास में बचा हुआ है, ठीक है, एक घंटा जो मेरे पास में और बचा हुआ है, उसमें मेरी कितनी चल जाएगी, उसमें मेरी कितनी चल जाएगी, ये कैसे कैलकुलेट करूँ? क्योंकि वहाँ तो 0 से 24 तक जा रहा है, 0 से 24 तक जा रहे हैं, 0 से 24 पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 0 से 24 तक पहुँचने में टोटल कितना टाइम लग रहा है वो कर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू सम
जीरो से 24 पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? एंटर 1.48355 सेकेंड्स, 355 सेकेंड्स, ठीक है? 1.48355 सेकेंड्स, ठीक है? 1.5 सेकेंड में मैं 0 से 24 पहुंच रहा हूँ, 0 से 24 पहुंच रहा हूँ। तो 24 तक पहुंचने में जो टाइम लगा, ठीक है, उसमें मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये कैसे कैलकुलेट करूं, ये कैसे कैलकुलेट करूं? ये कैसे कैलकुलेट करूं? डिस्प्लेसमेंट एस एस कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मेरे पास में 3 इक्वेशंस थी, उसमें से कौन सी इक्वेशन लगाऊं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? 3 इक्वेशंस है मेरे पास में, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं एस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अच्छा, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस नहीं लग सकती क्या? इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास है, एक्सेलरेशन भी मेरे पास है, तो क्या एस निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है क्या? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस से एस निकाला जा सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट गाइस निकाला जा सकता है क्या? यस सर, तो क्या लिखूं? इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी थोड़ा सा स्क्वायर पीछे माइनस चले यू जाते हैं, स्क्वायर अपॉन 2 ए। थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, यहां से चालू करते हैं। इज इक्वल्स टू वी का दे रखा है मेरा, आई में दे रखा है, आई में दे रखा है, आई में दे रखा है, ठीक है? वी का दे रखा है मेरा, आई में दे रखा है, वी इंटू वी माइनस यू यू माइनस यू इंटू यू डिवाइडेड बाय 2 टू ए इंटू एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है टी में ए, ठीक है? इंटू 2 ए। एंटर डिवाइडेड बाय 2 ए, 3.35 मीटर चला, ठीक है? ऐसे ही टोटल निकाले कितना मीटर, टोटल निकाल ले तो कितना मीटर चला? इज इक्वल्स टू सम सम कर लेते हैं सबका, तो 0 से 24 पहुंचने में मैं कितना मीटर चला? 90 मीटर चला, कुल मैं 90 मीटर चला, ठीक है? यानी कि 0.9 किलोमीटर चला, ठीक है? 0.9 किलोमीटर चला 1.196572 की पावर में, ठीक है? 1.196572 की पावर में मैं कितना चला? 90 मीटर चला, 90 मीटर और आ गया मेरे पास में, 0.9 किलोमीटर और आ गया, 0.9 किलोमीटर और आ गया, और बचा हुआ 897.12 में, 897.12 में 1 घंटा लगातार, 897.12 में 1 घंटा लगातार, 1.5 सेकेंड के बाद में 1 घंटा लगातार, 1.5 सेकेंड, 1.5 सेकेंड 3600 में से डेढ़ गया, 3600 में से 1.5 गया, तो बचता है अपने पास में 3600 में से 1.5 गया, मेरे पास में बचता है 3598.15, 3598.5, ठीक है?
3.5 3598.5, ठीक है, कितने घंटे हो गए? थ्री फाइव नाइन एट पॉइंट फाइव इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है, 0.99 आवर्स हो गए, 0.99 आवर्स हो गए, 0.99 आवर्स में मैं कितना चला, इज इक्वल्स टू 0.99 × 24.42, एंटर, ठीक है, 24.38 बचा हुआ 24.34878, ठीक है, इतना किलोमीटर चला, तो टोटल कितना हो गया, इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर, यानी कि ये हो गई मेरी टोटल रेंज, ये हो गई क्या मेरी टोटल रेंज, ये क्या हो गई मेरी टोटल रेंज, कि मैं अगर इस मोटर को 7200 वॉट की बैटरी से, यानी कि 7200 वोल्ट 100 एम्पेयर आर की बैटरी से चलाता हूँ, तो मैं टोटल कितना किलोमीटर चल लूंगा, 196.7834 किलोमीटर चल लूंगा, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 196.7834 किलोमीटर चल लूंगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि मैं पहले गियर पे ही गाड़ी चलाता हूँ, इसे मैंने पहले गियर पे ही बात करी कि मैं लगातार 24 की स्पीड पे, पहले 24 तक पहुँचाया, उसके बाद 24 की स्पीड तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 24 की स्पीड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये समझ में आया क्या? Yes, ये समझ में आया या नहीं आया, इसमें दिक्कत आ रही है कोई, किसी एंड पे कोई प्रॉब्लम है? No, ये समझ में आया कि 196 किलोमीटर मेरी गाड़ी कैसे चली अगर मैं 24 की स्पीड पे लगातार गाड़ी चला रहा हूं तो? ये समझ में आया किसी को? ये समझ में आया क्या सर? जैसे डीजल गाड़ियों में होता है ना, फर्स्ट गियर पे अगर अपन गाड़ी चलाते हैं तो ज्यादा कंज्यूम करता है। डीजल गाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास में अभी जहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है ना, वहाँ पे उसके बाद मुझे कितना करंट मिल रहा है, 12.46। सबसे ज्यादा करंट कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, सबसे ज्यादा करंट किस पे कंज्यूम हो रहा है, सबसे ज्यादा करंट इस जगह पे कंज्यूम हो रहा है 68.852, ठीक है, यानी कि 68.852 में देखे तो हमारी वेलोसिटी कितनी है, 18 किलोमीटर पर आ, जब मैं गाड़ी को उठा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसी जगह पे जब तक मैं 80 की स्पीड पे पहुँचूंगा, जब मैं 80 की स्पीड पे पहुँचूंगा तो उस टाइम पे मेरा गियर रेशो कितना है, उस टाइम पे मेरा टोटल गियर रेशो है 4.113017, ठीक है, टोटल गियर रेशो क्या है, 4.113017, तो उस टाइम पे मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा कम, तो हो सकता है कि मैं कितने स्पीड पे गाड़ी चला रहा हूँ, लगभग इस करंट पे काम कर रहा हूँ 41 पे, वहाँ मेरा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिकल पावर और जो डीजल वाली गाड़ियों में होता है, डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों में फर्क यही फर्क होता है कि वो शुरू में ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, ठीक है, बीच में कॉन्स्टेंट हो जाती है, बीच में कम कर लेती है, स्टेडी फ्लो बना लेती है, और बाद में फिर से उस फ्यूल को कंज्यूम करना ज़्यादा कर देती है, ठीक है, सेम यही चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है, शुरू में ज़्यादा ले रही है, ठीक है, बीच में थोड़ा ज़्यादा ले रही है, और आगे मैक्सिमम आरपीएम पर पहुँचते पहुँचते उसका बिल्कुल करंट का कंजम्पशन कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोटर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, टॉर्क चाहिए, जहाँ पे टॉर्क की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, वहाँ पे ये क्या करेगा, करंट लेना कम कर देगा, ठीक है, ये समस्या है इन सब के साथ में, ठीक, ये समझ में आ गया? यस सर। रेंज कैसे निकाली समझ में आया?
अब मुझे ये बताओ कि मुझे 0 से 80 पे जाना है, 0 से लेके 80 तक जाना है, 0 से लेके 80 तक जाना है, और फिर 80 पर ही गाड़ी मेंटेन करनी है, 80 पर ही गाड़ी मेंटेन करनी है, 0 से लेके 80 तक जाना है, फिर 80 पे ही गाड़ी को मेंटेन करके रखना है, ठीक? उस टाइम पे मेरी रेंज कितनी आएगी, उस टाइम पे मेरी रेंज कितनी आएगी इसी बैटरी पे, ये कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? ये कैलकुलेट करके बता सकते हो? ये कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या? 0 से 80 जा रहा हूँ, फिर 80 पे मेंटेन रख रहा हूँ गाड़ी को, 80 पे मेंटेन रख रहा हूँ गाड़ी को अगले अगले कुछ घंटों तक, ठीक है? हाईवे पे ही गाड़ी चला रहा हूँ, अगले कुछ घंटों तक हम लोग 80 पे ही मेंटेन करेंगे, तो मुझे बता सकते हो? ये निकाल सकते हो क्या आप, या नहीं निकाल सकते हो? आप लोग निकाल सकते हो क्या, ये कैलकुलेशन कर सकते हो क्या? 0 से 80, वही चीज जो हमने करी थी यहाँ पे पहले वाले में, कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले गियर पे पहुंच गया 24 की स्पीड पे, 24.42 की स्पीड पे, तो सेकंड गियर पे उसके आगे का पकड़ूंगा, सेकंड गियर पे उसके आगे का डेटा पकड़ूंगा, थर्ड गियर पे उसके आगे का डेटा पकड़ूंगा, फोर्थ गियर पे उसके आगे का डेटा पकड़ूंगा, और फिफ्थ फोर्थ गियर पे उसके आगे का डेटा पकड़ूंगा, ठीक? यही करना है मुझे 0 से 80 तक पहुंचाने के लिए, यही करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर तो ये चीज करके बता सकते हो क्या आप लोग, ये चीज करके बता सकते हो क्या आप लोग, ये चीज करके बता सकते हो क्या? गाइस आप लोग ये चीज करके बता सकते हैं क्या, ये नहीं बता सकते? हेलो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा जवाब दो, नहीं तो फिर अपन करें। सर आप करके मैं करके बताऊं, बताओ सर। सेकंड गियर क्या है, सेकंड गियर का रेशियो 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 क्या है? अभी हम लोग फर्स्ट गियर पे काम कर रहे थे, फर्स्ट गियर का रेशियो ये था, सेकंड गियर का रेशियो क्या है? 8.22603 4। चलें डेटा कॉपी कर लेता हूँ, वहां से रेफरेंस उठा रहा है। कहाँ से रेफरेंस उठा रहा है, कहाँ से? ठीक है, यहाँ से ले लेता हूँ, एक सेकेंड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, या या वी लाफिंग
d2 by d2। मेरा टोटल गियर रेशियो कितना है इसमें? सेकंड गियर का गियर रेशियो कितना है? सेकंड गियर का गियर रेशियो 8.22 ले लेते हैं, 8.22 को पूरे में। अच्छा मेरा एक्सेलरेशन कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है? एक्सेलरेशन कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है और उसकी वजह से मेरी वेलोसिटी कितनी आ रही है? फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 37.45। कितनी? 37। मतलब ये तो माइनस हो रहा है, यहाँ तक तो मैं जाऊँगा ही नहीं। एक्सेलरेशन कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ तक जा सकता हूँ। तो यहाँ तक 37.45 तक जा सकता हूँ, ठीक है। 37.45 तक जा सकते हैं। और मिनिमम मैं कहाँ से चालू करूँगा? मिनिमम मैं कहाँ से चालू करूँगा? फर्स्ट गियर हो गया, फर्स्ट गियर लग गया, फर्स्ट गियर से मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे को मिल गई, फर्स्ट गियर से मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई, ये रही मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी 24.42409। तो सेकंड गियर कहाँ से चालू करूँगा? कौन सी स्पीड से चालू होगा सेकंड गियर? सेकंड गियर कौन सी कहाँ से चालू होगा? यहाँ से चालू करूँगा 23.96173 से चालू करूँगा, ठीक है। अब इसको कॉपी कंबाइंड शीट बना लेते हैं, कंबाइंड नाम दे दिया, कंबाइंड कंबाइंड एंटर, कंबाइंड एंटर नाम दे दिया। पहला डेटा कॉपी किया, पहला डेटा कॉपी किया, कंबाइंड में गया, पेस्ट किया, ठीक है। कंबाइंड में गया, पेस्ट किया, इसको 13.16165, ठीक है। पहला डेटा कॉपी कर लिया, सेकंड शीट का डेटा उठाया, सेकंड शीट थर्ड शीट का सेकंड ईयर का डेटा उठाया, यहाँ से उठाना है, तो यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ तक का डेटा उठाऊंगा जहाँ पे एक्सेलरेशन कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, इंसर्ट कॉपीड सेल्स, शिफ्ट सेल्स डाउन, ठीक है। यहाँ से मैं मैक्सिमम वेलोसिटी मेरी पहुँची 25 पॉइंट। इनको हटा देते हैं, नेगेटिव वालों को सबको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट एंटायर रो, ओके, ठीक है। मैं पहुँचा, मेरी वेलोसिटी हुई 24.42 और हाथों हाथ मैंने गियर चेंज कर दिया, वापस 23 से मैं चालू हुआ, 37 तक पहुँचा और यहाँ पे मेरा गियर सेकंड गियर का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड गियर लगाते हैं, थर्ड गियर का रेशियो कितना था? गाइस थर्ड गियर का रेशियो कितना है ये बताओ? 5.484। थर्ड गियर लगा लेते हैं, ठीक है, थर्ड गियर लगा लेता हूँ, यहाँ से डेटा कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंबाइंड, कंबाइंड थर्ड गियर का, कंबाइंड नहीं, शीट थ्री है ना या शीट फाइव है, खाली है, कंबाइंड यहाँ आ गए। क्या था गियर रेशियो, क्या था गियर रेशियो, क्या था? 5.484। 484
5.484 कॉपी कर लिया पूरे में। ठीक है, वेलोसिटी कितनी जा रही है मैक्सिमम? ठीक मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी जा रही है? नेगेटिव नहीं हो रहा जहाँ पे एक्सेलरेशन, नेगेटिव नहीं हो रहा जहाँ पे एक्सेलरेशन, कहाँ तक जा रही है? 50.05 हाँ, 50 50 50 50.05। ये ठीक है, तो यहाँ से उठाते हैं अपन। कहाँ से उठाएंगे? 35 से लेंगे, क्योंकि 37 मेरी लास्ट थी, तो मैं 35 से लूंगा। तो यहाँ से लिया कहाँ तक? 50.0526 तक, 50.0526 तक उठाया, कॉपी किया, कॉपी किया, ठीक है, कंबाइंड हो गया। यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता है, इंसर्ट कॉपीड सेल्स, शिफ्ट सेल्स का, ओके। वहीं पे आ गए, वेलोसिटी वाला कहाँ है? वेलोसिटी 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 37 पे पहुंचे। 37 के बाद गियर चेंज किया, 50 तक पहुंचे। ठीक है, फाइनल गियर की बात करें, फाइनल गियर का मेरा गियर रेशियो कितना है? फोर्थ गियर का मेरा गियर रेशियो कितना है? फोर्थ गियर का गियर रेशियो फोर कितना पॉइंट है? फोर इलेवन 113 पॉइंट 113 कंबाइंड में गया, कंबाइंड में गया। उससे पहले एक और शीट बना लेते हैं, डेटा उठाया, सेकंड कंट्रोल सी, शीट 6 में गया, पेस्ट। यहाँ पे क्या चाहिए? 113 4.113 एंटर। सर एक बार वापस आना। हाँ, 4.113 यहाँ पे आ गया डेटा सारा का सारा। कितनी स्पीड जा रही है मैक्सिमम जहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो रहा? मेरा एक्सेलरेशन जहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा वहाँ मेरी स्पीड कितनी जा रही है? 47.885, 47.88 47.885। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा चौथा गियर मेरे किसी काम का नहीं है, मेरा चौथा गियर किसी काम का नहीं है। क्यों? मैं मैक्सिमम वेलोसिटी मेरी कितनी आ रही है? 47.88 जिसको समझ में नहीं आ रहा है उनको वापस से बता देता हूँ, मैंने हर गियर का एक गियर रेशियो निकाल रखा है, हर गियर का एक गियर रेशियो निकाल रखा है। चार गियर है मेरे पास में, पहले गियर का 13, दूसरे गियर का 8.22, 8.2260। हाँ 8.2260। ठीक है, थर्ड गियर का निकाल रखा है, फोर्थ गियर का निकाल रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर गियर की एक शीट बनाता जा रहा हूँ। पहला गियर है, पहले गियर की शीट बन गई, पहले गियर की शीट बन गई। यहाँ पे मैंने गियर रेशियो डाल रखा है 13.16165। ठीक है, पहले गियर की शीट बन गई 13.16165। ठीक, उससे मेरा क्या निकल के आ गया? मैक्सिमम वेलोसिटी निकल के आ गई 24.42, जहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव नहीं हो रहा है। जहाँ तक मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब है कि मेरी गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होगा या 0 से कम होगा तो इसका मतलब क्या है? मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगी। तो अच्छा 24.42 पे पहुंच गया, सेकेंड गियर पे आया तो सेकेंड गियर पे देखे तो मैंने गियर रेशियो डाला 8.22। अब मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है। और यहाँ पे मेरी वेलोसिटी कितनी है? 37.067। तो मैं यहाँ से लेके 37 तक का, मतलब जहाँ पे मेरा फर्स्ट गियर पे 24.42 गई उसके बाद का डेटा लूंगा, यानी कि 23 से लेके 37 तक का डेटा लूंगा, 37.067 तक का, जहाँ पर मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं हो रही। तो मतलब मेरा डेटा जो होगा
वो यहाँ तक का आएगा, डेटा जो होगा वो यहाँ तक आएगा, ऐसे ही थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, ठीक है, उसका कंबाइन करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर शीट देखोगे आप, वेलोसिटी वाला कॉलम देखे, तो अपन जीरो से चालू हुए, सेवन से चालू हुए, सेवन से पहले पहुंचे फर्स्ट गियर पे, फर्स्ट गियर पे पहुंचे 24.42 तक, 24.42 तक पहुंचे फर्स्ट गियर। सेकंड गियर लगा, सेकंड गियर पे पहुंचे लास्ट, सेकंड गियर पे पहुंचे हम लोग, सेकंड गियर पे हम लोग वेलोसिटी कितनी पहुंची, 37 तक पहुंची। थर्ड गियर लगाया, 35 से चालू हुए और 50 तक पहुंचे। लेकिन हम लोग फोर्थ गियर की बात करें, फोर्थ गियर की बात करें तो मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव कहाँ तक हो रहा है, 47 तक हो रहा है, 47 तक, मतलब यानी कि ये मेरी 47 से ज़्यादा स्पीड बढ़ने ही नहीं देगा, तो ये गियर रेशो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा, 47 से आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। अब अगर मुझे देखा जाए तो ये मुझे मोटर कहाँ तक ले जाने दे रही है, ये मोटर मुझे मैक्सिमम स्पीड देगी 50 तक की, क्योंकि इसका टॉर्क इतना सफिशेंट नहीं है कि मुझे 80 तक ले जाने दे इस गाड़ी को, ठीक है। थोड़ा गियर रेशो में चेंज कर सकता हूँ मैं, पर गियर रेशो में चेंज करने से क्या होगा, मैं 80 तक पहुँच नहीं पाऊँगा, ठीक है, गियर रेशो चेंज करने के साथ मैं 80 तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइंड शीट में आया, 50 तक पहुँचा, 50 तक पहुँचा, पावर निकाली जाए, पावर निकाली जाए, तो पावर पर सेकेंड ये रह रही है, जीरो से 50 पहुंचने तक मेरी टोटल पावर, जीरो से 50 पहुंचने तक मेरी टोटल पावर पर सेकंड में कितनी कंज्यूम हो रही है, पर सेकंड में कितनी कंज्यूम हो रही है, इज इक्वल्स टू सम, सॉरी इसको हटा देते हैं, इसमें नहीं देखना, ठीक है। मैंने सेकंड के हिसाब से पावर निकाल रखी है, मतलब पावर कंज्यूम निकाल रखी है, पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम, कंज्यूम, ठीक है, क्योंकि पावर कंज्यूम को पर सेकंड, पर सेकंड जो पावर कंज्यूम हो रही है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टाइम के साथ, कि कितने टाइम तक हम लोगों ने इस पावर का यूज़ किया, कितने टाइम तक हम लोगों ने इस पावर का यूज़ किया, ठीक है, कितने टाइम तक इस पावर का यूज़ किया, ठीक है, कितने टाइम तक इस पावर का यूज़ किया, ठीक। ये टाइम नेगेटिव कैसे आ रहा है, वी माइनस यू बाय ए, वी माइनस यू 35.57 1980, एक सेकेंड, वेलोसिटी 44 11 और 12, यहाँ पे आने के लिए I12 माइनस I13, अच्छा डेटा चेंज हो रहा है तो ये दिक्कत आ रही है, डेटा चेंज हो रहा है तो ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, इस जगह पे इसको कर दूंगा माइनस, ठीक है, जहां जहां डेटा चेंज हो रहा है वहां चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है, जीरो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक है। अब हाँ, तो मेरी पावर जो कंज्यूम हो रही है, मेरी पावर जो कंज्यूम हो रही है जीरो से, पावर जो कंज्यूम हो रही है पर सेकंड इतनी हो रही है, ठीक है, मैंने इतने सेकंड तक कर, इतने सेकंड मेरे को इस इतने सेकंड मैंने इतनी पावर कंज्यूम करी, तो टोटल पावर जितनी कंज्यूम हुई वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। इस पावर का जीरो से 50 तक पहुँचने में मेरी टोटल पावर कितनी लगी, इज इक्वल्स टू सम जीरो से पहुँचने में कितनी पावर लगी, इज इक्वल्स टू सम यहाँ तक एंटर, 14 वॉट की पावर लगी, 14 वॉट की पावर लगी। और कितना सेकेंड टाइम लगा, कितना सेकंड का टाइम लगा मुझे जीरो से 50 तक पहुंचने में, वो यहाँ पे आ गया, इज इक्वल्स टू सम जीरो से 50 तक पहुंचने में कितना सेकंड का टाइम लगा, ये आ गया, इज इक्वल्स टू सम, ये रहा मेरा सेकंड का टाइम। 12.83 सेकंड में मैं 50 की स्पीड पे पहुंच गया और मेरी इतनी पावर कंज्यूम हो गई, ठीक है।
7200 वॉट की मेरी बैटरी है, 7200 वॉट की मेरी बैटरी है, ठीक है, 7200 वॉट की मेरी बैटरी है, 7200 वॉट की मेरी बैटरी है। अब 50 पे मेंटेन करने के लिए, 50 पे मेंटेन करने के लिए, 50 पे कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए मुझे करंट कितना देना पड़ेगा, करंट कितना देना पड़ रहा है, करंट कितना देना पड़ रहा है 50 की स्पीड पे मेंटेन करने के लिए। ये जो मेरी स्पीड है, ये वेलोसिटी है 50, इस पे मेंटेन करने के लिए मुझे कितना करंट देना पड़ रहा है बैटरी से, 51.31। यानी कि पावर कितनी देनी पड़ेगी 50 पे मेंटेन करने के लिए, पावर कितनी देनी पड़ेगी, इज इक्वल टू 72 × 51.31। एंटर, यानी कि 3694.32 पावर देनी पड़ेगी, 3694.32 पावर देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी? यस सर, एक घंटे तक लगातार मुझे ये पावर देनी पड़ेगी, ठीक है, एक घंटे तक मुझे लगातार ये पावर देनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद में बची मेरे पास कितनी पावर, इज इक्वल्स टू 7200 माइनस, मतलब 0 से 50 लाने में मेरे पास में कितनी पावर कंज्यूम हो गई, इज इक्वल्स टू ये प्लस ये, ठीक है, 0 से 50 लाने पे प्लस ये, ठीक है, यानी कि ये कितना टाइम चल गई, ये टाइम कितना चल गई, ठीक है, एक घंटा तो इसका हो गया, यानी 3600 सेकंड इसके हो गए, और 12.8304 सेकंड तो किसके हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, ठीक है, 12.8304 सेकंड तो किसके हो गए, इज इक्वल्स टू इसके हो गए। एंटर, तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो गई, टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो गई, सॉरी, इज इक्वल्स टू ये, टोटल पावर कितनी कंज्यूम हो गई, ये प्लस ये, एंटर, और टोटल टाइम कितना लग गया, ये प्लस दिस, एंटर, ठीक है, टोटल टाइम कितना लग गया, इसको सेकंड वो आवर्स में कन्वर्ट करें तो इज इक्वल्स टू आवर्स में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 3600 ये आ गया मेरा आवर में, ठीक है, आवर में ये आ गया। बचा मेरे पास कितना, इज इक्वल्स टू 7200 माइनस 3708, एंटर, 3491 बचा, ठीक है, 3491 बचा, ठीक, 3491 बचा, ये कितने घंटे चला लेगा, ये कितने घंटे चला लेगा, ये कितने घंटे चला लेगा गाड़ी को, मुझे 50 की स्पीड पे चलाने के लिए इतनी पावर चाहिए, मेरे पास अब इतनी पावर बची है तो कितना घंटा चला लेगा, 50 की स्पीड पे चलाने के लिए इतनी पावर चाहिए और मेरे पास इतनी बची है, मैं कितनी देर चला लूंगा इसको, कितनी देर चला लूंगा, कितनी देर चला लूंगा गाइस, इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, कितने घंटे और चला सकता हूं, सॉरी गलत कर रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू ये बची हुई पावर डिवाइडेड बाय जो चाहिए, तो 0.94 आवर्स और चला सकता हूं इसको, 0.945 आवर्स और चला सकता हूं, ठीक है, 0.945 आवर्स और चला सकता हूं, 0.945 आवर्स कितने की स्पीड पे चला सकता हूं, 50.05256
तो टोटल इसके हिसाब से टोटल कितना किलोमीटर हो गया? मेरे पास टाइम है इनटू स्पीड है, कितना किलोमीटर हो गया? 47 किलोमीटर्स, तो ये हो गया 47.30 किलोमीटर्स, तो ये हो गया। ठीक है, बचा क्या? बचा क्या? इसका कैलकुलेट करना। एस निकाला है कि अपन ने टोटल 0 से 50 पहुंचने में मेरा कितना कंज्यूम, कितना डिस्टेंस कंज्यूम होगा वो निकाल लेता हूँ। इज इक्वल्स टू सम SUM, कितना डिस्टेंस कंज्यूम होगा वो निकाल लेता हूँ। ये रहा, ये डिस्टेंस कंज्यूम हुआ, एंटर, 206 मीटर कंज्यूम हुआ, 206 मीटर कंज्यूम हुआ, 206 मीटर कंज्यूम हुआ। तो इधर मैंने लिखा 206 मीटर, यानी कितना किलोमीटर हो गया? 206 मीटर कितना किलोमीटर हो गया? 0.2 सर। 206 मीटर कितना? 0.206 किलोमीटर हो गया। 1206 0.206 किलोमीटर मेरे पास आ गया, 0.2068 मान लेते हैं, किलोमीटर और आ गए। ठीक है, बाकी बचा 369। ये 3600 सेकंड मैंने जो गाड़ी चलाई है, बाकी के बचे 1 घंटे मैंने जो गाड़ी चलाई है, बाकी के बचे 1 घंटे जो मैंने गाड़ी चलाई है उसका देख लेता हूँ। उसमें मैंने 50 किलोमीटर और गाड़ी चला दी, 50.0256 किलोमीटर और गाड़ी चला ली। ठीक है, 50.0256 किलोमीटर, 0.5256 किलोमीटर और गाड़ी चला ली। टोटल कितना हुआ? ये प्लस ये एंटर, कितना किलोमीटर आया मेरा रेंज? टोटल रेंज कितने किलोमीटर आई है? अगर मैं 0 से 50 पर जाता हूँ और 50 की स्पीड मेंटेन करता हूँ, 50 की स्पीड मेंटेन करता हूँ, तो कितने किलोमीटर आई? 97.5 कितने? 97.56। पहले कितनी आ रही थी? पहले कितनी आ रही थी? पहले कितनी आ रही थी? 196.7 ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ में, किसी भी व्हीकल में देखो कई तरीके के मोड्स आते हैं, दो तीन मोड्स आते हैं। ठीक है, दो तीन मोड्स आते हैं। मोड्स में क्या बताता है कि इस मोड पे चलाओगे तो आपका माइलेज ज़्यादा मिलेगा, दूसरे मोड पे चलाओगे तो माइलेज कम मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप देखोगे तीन मोड्स होते हैं, लो मीडियम हाई, लो मीडियम हाई। ठीक है, लो पे क्या होता है आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, मीडियम में जाओगे तो माइलेज थोड़ा कम मिलेगा, हाई पे जाओगे तो माइलेज, हाई पे जाओगे तो माइलेज और ज्यादा कम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यही दे रखा था, यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कंबाइंड कि जब हमने 0 से 24 तक का जो रेंज सेट थी उसमें हम लोगों ने गाड़ी चलाई तो मुझे 196 किलोमीटर मिला। ठीक है, ये आपको लगता है कि सिटी ड्राइविंग के हिसाब से सही है क्या? 25 किलोमीटर जो है वो मेरे हिसाब से जो लोएस्ट मोड है 25 किलोमीटर वाला या 24 किलोमीटर वाला, वो क्या सिटी ड्राइविंग के हिसाब से सही है? हम लोग अधिकतर देख रहे हैं तो हम लोग सिटी में कितना, कितने की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, सिटी सिटी में कितने की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, सिटी सिटी पे कितने की स्पीड पे गाड़ी चलाता है? मैक्सिमम 40-45 ट्रैफिक वाले एरियाज की बात करें तो 30 30 25 20 30 25 30 उससे ज्यादा गाड़ी नहीं चलाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिटी मोड, ठीक है, सिटी मोड के लिए बेस्ट है। ठीक है, हाईवे के हिसाब से ड्राइव करें तो हमारा, हाईवे के हिसाब से ड्राइव करें तो 80 की स्पीड सही है। थोड़ा सा गियर रेशियो में हम लोगों को वेरिएशन लाना पड़ेगा। कोई मैं किसी ने मेरे से पूछा था कि गियर रेशियो कैसे सेलेक्ट करते हैं, एक टाइम पे किसी ने मेरे से पूछा था कि गियर रेशियो कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोगों को गियर रेशियो इसी हिसाब से सेलेक्ट करने हैं कि हम लोगों को मैक्सिमम वेलोसिटी भी मिल सके और टॉर्क भी मिल सके। अभी हमको टॉर्क नहीं मिल रहा, इसलिए ये हमारे अभी ये वाला गियर रेशियो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, चौथा गियर रेशियो जो था वो किसी काम का नहीं था। मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे पास में 50 की जा पा रही है। ठीक, तो मैं जैसे क्रूजिंग मोड पे काम करना हो, हाईवे मोड पे काम करना हो, तो ये मेरी रेंज कितनी देगा? 97 किलोमीटर देगा। इसलिए अधिकतर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या बोलते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक बाइक सिटी में भी आ रही है इकोनॉमिक रेंज में, वो बोलते हैं कि हम लोग आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज दे सकते हैं 0 से 80 तक की स्पीड पे। ठीक
जीरो से 80 तक की स्पीड पे हम आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज दे सकते हैं, थोड़ा बैटरी बढ़ा के या फिर थोड़ा गियर रेशियो को चेंज करके। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया क्या? रेंज निकालना समझ में आया? बेसिक कैलकुलेशंस है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस का यूज किया है, ऐसा कोई भी हम लोगों ने वो मतलब रॉकेट साइंस जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस यूज करिए, ये तो किया नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन से उनका यूज किया है, सिंपल इक्वेशंस है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। रेंज निकाली है, टाइम निकाला है, पावर कंजम्पशन निकाला है हर सेकेंड पे, सिर्फ इतना ही कराया हम लोगों ने। तो ये वाली शीट अब आप लोग बना सकते हैं, ये वाली शीट अब बना सकते हैं, ये वाली शीट अब लोग बना सकते हैं क्या आप? यस तो ये आप लोगों का आज का काम है, ये आप लोगों का आज का काम है, ये वाली शीट आप लोगों को बनानी है। ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूँ, टेस्ट में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे कि मैं आपको डेटा दे दूंगा, आप लोगों को डेटा दे दूंगा और आपको सारी कैलकुलेशन करके उसमें से जो मैं रिजल्ट बोलूंगा वो निकाल के आपको देना है। ठीक है, जो मैं रिजल्ट बोलूंगा वो आप लोगों को, मैं अगर बोल दिया कि आपका, मैंने अगर आपको बोल दिया कि आपको मैक्सिमम टॉर्क कितना मिल रहा है तो वो निकाल के देना है आप लोगों को मुझे, मैंने आपको बोला कि मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है तो वो निकाल के देना है आपको मुझे, उसके अलावा मैंने आपको बोल दिया कि पावर कितनी कंज्यूम हो रही है इस पॉइंट पे तो वो आपको मुझे निकाल के देना है। तो मैं ये शीट आपको बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों को अभी टेस्ट में काम आने वाली है, टेस्ट में थोड़ी सी भी गलती करोगे तो आपको पता है कि नंबर एक साथ ही कटते हैं उसमें, गूगल फॉर्म्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये शीट्स जो है ना, ये जो शीट्स हैं वो काम आएंगी आप लोगों को। ठीक है, ये शीट इसलिए बनवा रहा हूँ कि आप लोगों को ये आगे काम भी आएंगी, अभी टेस्ट में भी आप लोगों को ये शीट आएगी। तो ये मत सोचना कि अभी मैंने आपको समझा दिया और आप लोगों ने नहीं किया तो ये आपको टेस्ट में काम नहीं आएगी, तो याद रखना ये टेस्ट में काम आने वाली है। कल आपका असेसमेंट है, आप लोगों को पता ही है, कल सैटरडे असेसमेंट है, आप लोगों के पास में डेट्स आई गई हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। 13 और 14 लिखा हुआ है ना? हाँ, तो मेरे ख्याल से कल ही है आपका असेसमेंट, मेरे ख्याल से शायद कल ही है आप लोगों का असेसमेंट थर्टीन और इस चीज फोर्टीन पे। तो देखिए, तो 13 और 14 दे रखा है उसमें। वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर लेगा कि कब होने वाला है। ठीक है, मेरा टेस्ट पेपर आज आ जाएगा सर के पास में। ठीक है, मेरा टेस्ट पेपर आज मैं सर को दे दूंगा और आप लोगों का जो भी सिलेबस है मैंने आप लोगों को बता ही दिया, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि क्या बोलते हैं, मैंने टेस्ट का सिलेबस आप लोगों को बता ही दिया। अभी तक हम लोगों ने जितना कवर किया है, जितना भी कवर किया है ट्रांसमिशन सिस्टम तक, सब उसमें आएगा। अभी तक मैंने जितना भी कवर किया है ट्रांसमिशन सिस्टम में सब आएगा। ठीक है, उसमें सब आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम से शुरू से लेके अभी तक ट्रांसमिशन सिस्टम तक जितना भी है सब उसमें कवर अप होगा। ठीक, और टेस्ट आपका मेरे ख्याल से कल आपको सर बता ही देंगे, आज कल होना होगा तो सर बता दे, कल की डेट बता देंगे, और अगर संडे को होना होगा तो संडे की डेट बता देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, ये पर्सनल बातें इस वाली चैट पे मत करें, जो आपको पर्सनल बातें करनी है आप लोग कहीं भी जाके करें, चैट पे मत करें, ग्रुप चैट पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैंने आपको रेंज का कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप लोगों को रेंज निकालनी पड़ेगी और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगला कॉन्सेप्ट में बात कर लेता हूँ, अगले कॉन्सेप्ट में बात कर लेता हूँ कुछ बची हुई चीजों के बारे में। मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने आप लोगों को बोल दिया था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आप लोगों को कुछ पार्ट्स बनाने हैं, आप लोगों को कुछ पार्ट्स बनाने हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं बनाए होंगे, मुझे ये भी उम्मीद है आप लोगों ने नहीं बनाए होंगे। ठीक है, ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं बनाए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, एक डायग्राम है वो मुझे बनाना है।
ठीक है, कुछ इस तरीके का मुझे डायग्राम बनाना है, क्या करना चाहिए मुझे? कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाना है, क्या करना है? कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाना है, क्या करूं? कहां से स्टार्ट करूं? कहां से स्टार्ट करूं गाइस, जल्दी बताओ यार, कहां से स्टार्ट करूं? कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाना है, कहां से चालू करूं? बेस से, बेस के डायमेंशंस बताना, बेस के डायमेंशंस बताना। अच्छा, ये टॉप व्यू है या साइड व्यू है? ये जो ऊपर वाला दे रखा है, ये टॉप व्यू है साइड व्यू है? टॉप व्यू। और ये कौन सा व्यू है? साइड व्यू। साइड व्यू, ठीक है। टॉप व्यू से चालू करते हैं, तो मुझे टोटल लेंथ कितनी दिखाई दे रही है? 60। 60। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग आते हैं टॉप लेन पे। टॉप व्यू है तो टॉप लेन पे आ जाते हैं। स्केच किया, ठीक है, स्केच किया। एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? अरे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? 60। और ये विड्थ कितनी है? 30। तो 60 बाय 30 का एक रेक्टेंगल पूरा कर लेते हैं। 60 mm बाय 30 mm रेक्टेंगल पूरा हो गया। इसको mmgs कर लेता हूँ। वापस से स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, आर्क बनानी है, एक आर्क बनानी है। तो क्या करें, क्या करें? आर्क बनाने हैं, क्या करें? ये वाली आर्क बनानी है, क्या करें? गाइस ये आर्क बनानी है, क्या करूं? ये रेक्टेंगल बन गया यहाँ तक का, ये आर्क बनानी है। रेक्टेंगल के दो पॉइंट से बना दो आर्क। आर्क बना देते हैं। यहाँ आया, ये किया, ये पकड़ा, ये लिया, ठीक है। आर्क का वो क्या है, रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? रेडियस कितना है आर्क का? रेडियस कितना है आर्क का? 15। एंटर, ठीक है। अंदर वाले सर्कल का डायमीटर, अंदर वाला जो सर्कल 15 डायमीटर, यहाँ पे बनाया। 15 डायमीटर का सर्कल दे लेते हैं। 15 डायमीटर का सर्कल ले लेते हैं। ट्रिम कर लेते हैं एंटिटीज को, ट्रिम कर लेते हैं एंटिटीज को, ठीक है, ट्रिम कर लेते हैं एंटिटीज को, ठीक है। इतना रेडी हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ये कैसे दे? यहाँ पे कट लगा हुआ, ये कैसे दे? चैम्फर कर दो। चैम्फर कर दूँ? यहाँ पे गया, इधर आया, चैम्फर कमांड के पास गया। यहाँ पे फिलेट के नीचे मेरे पास चैम्फर है, चैम्फर कमांड के पास गया, यहाँ पे डायमेंशन डाली 9। 9 का चैम्फर है क्या? 9 का चैम्फर है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, 9 का चैम्फर है ना? तो यहाँ पे आए,
यहाँ पे है इक्वल डिस्टेंस का चैम्फर है, इक्वल डिस्टेंस का चैम्फर है, 9 दिया है यहाँ पे, दोनों तरफ 9 9 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, सेंटर से 18 की दूर पे स्ट्राइक लाएंगे इसको, सेंटर से 18 पे लाइन से दूर एक लाइन की इसको। अच्छा ठीक है, 18 पे लाइन खींचने से मुझे क्या मिलेगा, 18 पे लाइन खींचने से मुझे क्या मिलेगा, सबसे पहले एक्सट्रूड कर लेते हैं, नीचे वाला बेस बना लेते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं, नीचे वाला बेस बना लेते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं, नीचे वाला बेस बना लेते हैं, तो यहाँ पे आए, ओके, एक्सट्रूड किया, कितना एक्सट्रूड करना है, कितना एक्सट्रूड करना है, 9 mm, यहाँ आया 9, एंटर, ओके। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले फेस पे आया, इसको सेलेक्ट किया, ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट किया, स्केच पे क्लिक किया, ऊपर वाले फेस पे आ गए, इसको सेलेक्ट किया फेस को, कन्वर्ट एंटिटीज में क्लिक किया, तो इसके बाहर की बाउंड्री क्या बन गई, स्केच बन गई, बीच का सर्कल भी बना लेते हैं, इसको भी पकड़ा, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेंटर से 18 पे लाइन खींचनी है, मैंने एक लाइन बना दी, लाइन बना दी, लाइन बना दी यहाँ पे, और सेंटर से उसको डायमेंशन दे दिया, सेंटर से उसको डायमेंशन दे दिया 18 mm, आ गया यहाँ पे। आगे का ट्रिम कर देते हैं, आगे का मामला सारा हटा देते हैं, बचा क्या, ये बचा, इसको क्या करें, इसके साथ क्या करना है, एक्सट्रूड, कितना, कितना कर लें, टोटल ये 30 mm का है, टोटल ये जो हाइट है ना इसके बराबर ही है, सर्कल के बराबर ही है, 30 mm हाइट है, तो कितना एक्सट्रूड करूं, 21 mm, तो इसमें गए, इसको क्लिक किया, इस पे गए, इसको क्लिक किया, खुल जा, इस पे क्लिक किया, फीचर्स पे गए, एक्सट्रूड पे क्लिक किया, 21 mm, एंटर। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या बचा है इसमें, अब वो स्केच करेंगे, क्या बचा हुआ है, ये 7 वाली, इसको बनाने का क्या तरीका है, इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक तो ट्रायंगल बना के उसको एक्सट्रूड करवा दे, सेंटर प्लेन लिया, ये वाला फ्रंट प्लेन में, फ्रंट प्लेन लिया, स्केच किया, ठीक है, यहाँ से स्केच बनाया, ये ये ये, ठीक है, इसको टच कर देते हैं इस लाइन से, इस पॉइंट को टच कर देते हैं, सेलेक्ट करके दोनों को सेलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, इसको टच पेयर्स कर देते हैं इस लाइन पे, इसको जोड़ देता हूँ इस लाइन पे, पेयर्स, इसको जोड़ देता हूँ इस लाइन पे, और इसको जोड़, शिफ्ट दबा के दोनों चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको जोड़ देता हूँ इस लाइन पे, बन गया। अब इसको एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड, ठीक है, मिड प्लेन से एक्सट्रूड कर रहा हूँ, मिड प्लेन से, क्योंकि दोनों तरफ बराबर करना है, कितना, कितना करना है एक बार देख के बताना, कितना करना है, टोटल कितना एक्सट्रूड करना है, 7 mm, तो इसके पास गया, यहाँ पे लिखा टोटल 7 mm,
दोनों तरफ से बराबर 7 mm हो गया ये, ठीक है। एक तो तरीका मेरे पास में ये हो गया, दूसरा तरीके की बात करें, इन दोनों को हटा लेते हैं, डिलीट डिलीट, सिर्फ एक लाइन बना दी, एक लाइन बना दी, एग्जिट किया, एग्जिट स्केच, स्केच से बाहर आया, यहाँ पे मेरे पास में रिब कमांड है, रिब कमांड, रिब कमांड है, रिब को सेलेक्ट किया, ये स्केच सेलेक्ट किया, रिब को सेलेक्ट किया, ये स्केच सेलेक्ट किया, और इसकी मैंने दे दी 7 mm, ठीक है, ओके किया। क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, दो तरीके के कमांड्स थे मेरे पास, एक तो सिंपल पूरा ट्रायंगल बना के एक्सट्रूड किया, एक आती है मेरे पास में रिब कमांड। रिब कमांड क्या बोलती है कि आप जिस लाइन पे ये बनाओगे उस लाइन के हिसाब से मैं उन दोनों को सपोर्ट देने का मेंबर बना लेंगे, सपोर्ट देने का एक मेंबर बना लेंगे। तो मैंने रिब पे जैसे किया, इस लाइन पे जैसे ही सेलेक्ट किया, 7 mm दिया, 7 mm दिया, इसको ये एक्सट्रूड कर लेगी, इसको ये एक्सट्रूड कर लेगी, या तो इस लाइन के डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, लाइन के डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है, लाइन के डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करते हैं। तो देखिए रिब काम ही नहीं करेगा क्योंकि इसके पास, इसको सपोर्ट देने के लिए कोई मटेरियल नहीं मिल रहा। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, रिब ले लेते हैं, ठीक है, रिब दे देते हैं, दोनों साइड बरोबर, दोनों साइड करनी है बरोबर, ओके किया, और यहाँ पे मेरी रिब आ गई। मटेरियल को, मटेरियल को, मटेरियल की डायरेक्शन में मेरा सपोर्ट देने का ये रिब आ गई। ये समझ में आया, रिब कमांड समझ में आ गई, रिब कमांड समझ में आ गई? यस सर। गाइस रिब दिखाई दे रही है क्या या नहीं दे रही है? यस सर दिखाई दे रही है। हेलो, ये बन के दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? यस सर। बन गया क्या पार्ट, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या शो हो रहा है, येलो कलर का प्लेन शो हो रहा है या क्या हो रहा है? दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, क्या शो हो रहा है एक बार बताओगे? 3D दिख रहा है सर। हाँ सर 3D दिख रहा है। हेलो, पार्ट दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे? पार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है क्या कंप्लीट? हेलो 3D कैसी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आपको आवाज को नहीं आ रही सर। हेलो हेलो सर को नहीं आ रही आवाज, आ रही है क्या सर आपको? आ रही है हमारी, हमको तो आ रही है सर, आपको दोनों और इसको की आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है ये पार्ट बन के आ गया, ये पार्ट बन के आ गया, ठीक है पार्ट बन के आ गया, ये पार्ट क्लियर है, रिब कमांड क्लियर है? यस सर। ये रिब कमांड क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक नई कमांड हम लोगों ने देख ली, रिब कमांड, ठीक है, एक नई कमांड हम लोगों ने देख ली, रिब कमांड। शेल मैंने आपको बताई थी, शेल क्या करता है, शेल क्या करता है, शेल कमांड क्या करती है, शेल कमांड क्या करती है, शेल कमांड क्या कर लेती है? जो ऑब्जेक्ट का बाहर जैसा सेव है वैसा अंदर सेव बना देती है। ठीक है, तो जैसे शेल कमांड सेलेक्ट करी, मैंने बोला ऊपर वाला फेस हटाना है और इसकी 2 mm की थिकनेस देनी है, तो ये क्या करेगा, उसको अंदर से खाली कर देगा, 2 mm की थिकनेस रख के अंदर से खाली कर देगा, 2 mm की थिकनेस रख के अंदर से खाली कर देगा।
क्या किया है इसने, 2 mm की थिकनेस रख के अंदर से पूरा खाली कर दिया है। थोड़ा सा इसमें देखे तो ये पूरा देखो अंदर से खाली दिख रहा है, ठीक है। ये मेरी शेल कमांड है, ठीक, ये मेरी शेल कमांड है, ये आ गया, ठीक है। शेल को डिलीट कर देता हूँ। रिप कमांड हो गई एक, ठीक है, रिप कमांड हो गई एक। अब बची आप लोगों की स्वीप, समझ में आ गया था स्वीप, स्वीप स्वीप समझ में आ गया था स्वीप। अब स्वीप क्या करती है, एक पाथ के अलोंग एक प्रोफाइल को चलाने का काम करती है, ये तो आप लोगों को पता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। स्वीप क्या करती है, एक पाथ के अलोंग प्रोफाइल को चलाने का काम करती है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, स्वीप 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 इवॉल्व हो गई स्वीप कमांड का एग्जांपल। ये चीज बनानी हो कैसे बनाए, ये चीज बनानी हो कैसे बनाए, ये चीज बनानी हो कैसे बनाए, इसको बनाने के लिए क्या करूं गाइस, पहला स्टेप क्या करना है मुझे, ये पेंसिल जैसा शेप बनाने के लिए क्या करूं, पहले सबसे पहले ये पेंसिल जैसा शेप बनाने के लिए क्या करूं, सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर एक ही स्टेप में बनाना हो तो क्या करूं पहले, आप तो बोल रहे हो पहले सिलेंडर को, हाँ सर, पहले नीचे वाला कोन बना के ऊपर वाला सर्कल को एक्सटेंड कर देंगे, नीचे वाला बना के ऊपर वाले सर्कल को एक्सटेंड कर देंगे, एक्सट्रूड कर देंगे, सर्कल होता है वो। अच्छा, इसको रिवॉल्व करवा सकते हैं क्या, इसको रिवॉल्व से बना सकते हैं क्या, कैसे, ऊपर का आधा बना लूं उसको रिवॉल्व करा लूं तो, चलो बना लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा सा साइड करता है, ठीक है। टॉप लाइन पे आया स्केच, ठीक है, यहाँ पे आया एक लाइन बनाई ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसकी डायमेंशन कितनी दू, इसकी डायमेंशन दे देता हूँ सपोज 10 mm, ठीक है। इसकी डायमेंशन दे देता हूँ, कितनी देनी है इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन कितनी देनी है, 42.6 तो टोटल डायमेंशन है, 42.6 तो टोटल डायमेंशन है। इस लेंथ की डायमेंशन कितनी देनी है, ये वाली लेंथ 27 है, 27, 42.6 में से 5.6 गया, कितना हुआ 37, एंटर, ठीक है। ये बचा हुआ 5.6 हो गया, 5.6 हो गया, एंटर, ठीक है। थोड़ा सा हाइट कम कर देते हैं इसके, 5 mm ही कर देता हूँ, और कम करनी पड़ेगी, और कम करनी पड़ेगी, 2 mm, ठीक है। ये बन गया, ये बन गया। अब इसके साथ क्या करें, क्या करूँ इसके साथ, रिवॉल्व करवा दूँ, रिवॉल्व एक्सेस कौन सी लूँ, रिवॉल्व एक्सेस नीचे वाली है, कौन सी, ये नीचे वाली, यस सर, ठीक है। रिवॉल्व एक्सेस एक तो ये बनती है, ये वाली एक्सेस चाहिए क्या, नहीं, अच्छा ये वाली एक्सेस ले लेते हैं,
ये वाली एक्सेस ली, ये रिवॉल्व हो गया, ठीक है ओके, ये रिवॉल्व हो गया, ये तैयार हो गया। थोड़ा सा और इसमें चेंज कर लेता है, मेरा स्केच में 1.5 mm, 1 mm, ये बन गया। डेढ़ एम एम कर लेता हूँ, डेढ़, mm. ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में क्या करते हैं, इसके साथ में अब हम लोग लेते हैं हेलिक्स एंड स्पाइरल। हेलिक्स एंड स्पाइरल मैंने आपको उसमें भी बताया था स्पाइरल बनाने का क्या तरीका होता है। ये है, इसका सर्कल बनाना है, सर्कल चाहिए मुझे इसी साइज का, सर्कल चाहिए मुझे इसी साइज का। तो मुझे एक बात बताना है, पहले तो इसमें कितने टर्न्स है, कितने टर्न्स है, कितने टर्न है इसमें, कितने टर्न है? तीन, तीन, ठीक है, तीन टर्न ले लेते हैं, तीन टर्न ले लेते हैं। तीन टर्न के पास आया, इसके पास आया, ओके, स्केच से बाहर निकले, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी चाहिए इसकी, टोटल लेंथ कितनी चाहिए, हाइट एंड रिवॉल्यूशन दे देता हूँ, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, 26 है, 26 है। इसको मैंने बोला मेरे पास में एक तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है और मेरे पास में हाइट है इसकी, तो मैंने इसकी हाइट दे दी 26, ठीक है। और कितने टर्न्स है मेरे पास में, तीन, तीन टर्न है। डायरेक्शन कौन सा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट देना है, रिवर्स डायरेक्शन में इधर देनी है, ठीक है, इधर देनी है, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ओके किया, ये मेरी हेलिक्स बन के आ गई, ये मेरी हेलिक्स बन के आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, रेक्टेंगल बना के रिवॉल्व, रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल बना के इस पे आया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया, 3D स्केच में गया, इसको सेलेक्ट किया। इसमें एक चीज ध्यान रखना, हर चीज इतना स्केच में होनी चाहिए। मैंने जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया और कन्वर्ट एंटिटीज कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा स्केच बन गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे लेता हूँ एक प्लेन, प्लेन लेता हूँ, प्लेन, इस पॉइंट पे प्लेन लिया, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ओके किया, स्केच कर लेते हैं, स्केच, एक प्लेन बना लेते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। अच्छा, इस रेक्टेंगल की विड्थ और वो कितनी देनी है, इस रेक्टेंगल की विड्थ और वो कितनी देनी है, लेंथ और विड्थ कितनी देनी है, ये रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी लेंथ और विड्थ कितनी देनी है, 7.6 और 0.8, ठीक है, देने चलते हैं, कितनी दे, 0.8 तो चौड़ाई और 7.6 कंट्रोल जेड, 7.6 की लेंथ देते हैं, 7.6 की लेंथ दी, ठीक है।
कोइंसिडेंट कर देता हूँ बीच में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे कोइंसिडेंट मिड पॉइंट, ठीक है मिड पॉइंट आ गया। और एक चीज और करनी है इसको, इसको थोड़ा सीधा खड़ा कर देते हैं, सीधा नहीं है तो सीधा खड़ा कर देता हूँ इसको, वर्टिकल सीधा खड़ा कर दिया, ठीक ओके। अब क्या करें, अब क्या करें, स्वीप कर दें, स्वीप के पास गया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है पहले प्रोफाइल सेलेक्ट करी, प्रोफाइल सेलेक्ट हो गई, पाथ सेलेक्ट किया, पाथ सेलेक्ट हो गया, ओके किया, बन गया, बन गया, यही चाहिए था, यही चाहिए था, ये समझ में आया, स्वीप कमांड, स्वीप कमांड क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों की कौन कौन सी कमांड हो गई, एक्सट्रूड हो गया, रिवॉल्व हो गया, स्वीप हो गया, एक्सट्रूड हो गया, रिवॉल्व हो गया, स्वीप हो गया, रिब हो गया, लोफ्ट भी हम लोग ऑटोकैड में कर चुके थे, इसमें करने का तरीका, इसमें भी करना, इसमें भी कर, वही तरीका है करने का। लोफ्ट, लोफ्ट क्या करता था, 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 लोफ्ट कमांड क्या करती थी, लोफ्ट कमांड क्या करती थी, लोफ्ट कमांड क्या करती थी गाइस, लोफ्ट कमांड क्या करती थी, अरे लोफ्ट समझाई थी, लोफ्ट कमांड क्या करती थी, लोफ्ट कमांड क्या करती थी गाइस, लोफ्ट कमांड क्या करती थी, लोफ्ट कमांड, दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन को ज्वाइन करने का काम करती थी, दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन को ज्वाइन करने का काम करती थी, दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस को ज्वाइन करने का काम करती थी। तो लोफ्ट कमांड देखते हैं, लोफ्ट कमांड देखते हैं, मेरे पास में दो सेक्शंस हैं, मैंने एक बनाया सर्कल, ठीक है दो क्रॉस सेक्शंस हैं, मैंने एक बनाया सर्कल, ठीक है एक प्लेन लिया, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, प्लेन लिया और इस प्लेन के पैरेलल 100 mm ऊपर, इस प्लेन के पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल 100 mm ऊपर एक प्लेन बना दिया, ठीक है इस पे स्केच किया, इस पे स्केच किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्क्वायर बना रहा हूँ, एक स्क्वायर बना रहा हूँ, यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया। और जब मैंने इसको लोफ्ट करवाया, लोफ्ट कमांड में दो चीजें और होती है, मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, गाइड कर्व्स भी दे सकता हूँ, गाइड कर्व्स के लिए मैंने क्या किया, गाइड कर्व्स के लिए मैंने क्या किया, गाइड कर्व देने के लिए मैंने क्या किया, एक प्लेन और बनाया इधर और फ्रंट प्लेन के पैरेलल, फ्रंट प्लेन के पैरेलल स्केच किया, यहां से बनाया, यहां से बनाया इसको और इसको। एक चीज याद रखना है, वो एंटिटीज ज्वाइन होनी चाहिए, गाइड कर्व से ज्वाइन होते हुए रहनी चाहिए। मैंने इसको और इसको सेलेक्ट किया, इन दोनों को जोड़ दिया,
ये जुड़ गई, ठीक है। मिरर कर लेता हूँ, मिरर कर लेता हूँ, मिरर कर लेता हूँ, मिरर एंटिटीज, इसको सेलेक्ट किया, इस लाइन के अबाउट मिरर कर दिया, ओके, ठीक है। लोड कमांड के पास जाऊंगा, इसको बंद किया, लोड कमांड के पास गया, लोड कमांड के पास गया, सबसे पहले मैं पूछ रहा प्रोफाइल क्या क्या है आपके पास में, प्रोफाइल क्या क्या है आपके पास में। मैंने बोला मेरे पास में दो तरीके की प्रोफाइल्स हैं, एक तो ये रहा नीचे वाला सर्कल और ये रहा एक ऊपर वाला स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला सर्कल और ऊपर वाला स्क्वायर। अब बोला गाइड कर्व क्या क्या है आपके पास में, मैंने बोला एक गाइड कर्व तो ये रहा, ओके। दूसरा बोला ये गाइड कर्व एक और मेरे पास रहा, ये, ओके ओके। तो इसने क्या किया, गाइड कर्व के हिसाब से इसको लोफ्ट कर दिया, गाइड कर्व के हिसाब से इसको लोफ्ट कर दिया, ठीक है। लोफ्ट कमांड क्या, दो अलग अलग क्रॉस सेक्शंस को जोड़ने के लिए गाइड कर्व के थ्रू, ठीक। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर है लोफ्ट कमांड, लोफ्ट कमांड क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें भी मैंने सारी कमांड समझाई है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें चेसी बनाने का काम करेंगे और उसके बाकी कंपोनेंट्स बनाएंगे और उसका सिमुलेशन करेंगे। चेसी बनाएंगे, बाकी कंपोनेंट्स बनाएंगे, सिमुलेशन करेंगे। मैं ड्रॉइंग्स निकालूंगा, आप लोगों को ड्रॉइंग्स दूंगा, आप लोग वो ड्रॉइंग्स बना के रखोगे, उसके बाद हम इसको सिमुलेट करके उस पर कितना लोड आ रहा है, क्या चीज आ रही है, कितना लोड आ रहा है, कितना फोर्स आ रहा है और उस फोर्स पे क्या वो कंपोनेंट सेफ है या नहीं है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक। हेलो, ट्रांसमिशन की कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर दी है, ट्रांसमिशन की कैलकुलेशन हम लोगों ने कंप्लीट करी है, ट्रांसमिशन की कैलकुलेशन हमने कंप्लीट की है सर, ठीक है। हाँ अखिल, सर्कल तो सर असाइनमेंट है तो सर क्लास तो वो होगी नहीं सर, असाइनमेंट होगा, असेसमेंट होगा। हाँ सर, अब मंडे को ही अगली है ना क्लास, ये तो सर बता पाएंगे अभी, अमित सर से बात करनी पड़ेगी आपको। हाँ, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो मंडे को ही होगी, अभी सैटरडे को आपको असेसमेंट होगा, आप इजीली आप अपना टाइम लेके आप असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अपना आप अपना असेसमेंट के लिए आप तैयार रहें, वो ज्यादा जरूरी है। ओके सर, अच्छा गाइस एक चीज और, ये वाला काम आज आप लोगों को कंप्लीट करना है, ये वाला नेक्स्ट असाइनमेंट जो था ना आपका रेंज कैलकुलेट करने वाला, जी सर रेंज कैलकुलेट करने वाला था, वो आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में? नो सर, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, कल आपका टेस्ट है, आप लोग असेसमेंट अच्छे से दो, ठीक है, आप लोगों को काफी चीजें सिखाई है, अच्छे से असेसमेंट दो।